इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज सतना मध्य प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः, सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठि भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अध्यात्म योगी अरहम ध्यान योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की। अब जब वो नंदी गांव के लोग परेशानी में पड़े थे, संयोग से उसी समय पर काफी दिन हो चुके थे, आप भूल गए कि श्रेणिक अकेले अपने राजमहल में आए थे, राज्य तिलक उनका अकेला हो गया था, लेकिन उनका विवाह किससे हो गया था? नंदश्री से हो चुका था, समझ आ रहा है? और वो नंदश्री किसकी पुत्री थी? बोला तो करो, भूल गए कितनी दी? सेठ इंद्रदत्त की पुत्री थी, और वहां पुत्री से विवाह होने के बावजूद भी राजा श्रेणिक वहां इतने दिनों तक रहे थे कि उनके एक पुत्र का जन्म हो गया था और पुत्र भी बड़ा हो गया था, जिसका नाम रखा गया था अभय कुमार। रिमाइंड हो रहा है ना सब? वो इंद्रदत्त अपनी बेटी, अपने बेटी के पुत्र के साथ में बहुत दिनों के बाद में सोच करके निकला कि देखो श्रेणिक अपने राज्यभार को संभालने लग गए हैं, लेकिन इन्होंने बहुत दिनों से हमें याद नहीं किया है, चलो हम ही इनके राज्य की ओर चलते हैं। तो वो चले और रास्ते में वो नंदी गांव पड़ा, और उस नंदी गांव में आकर के उसी समय पर वह अभय कुमार जो उनके ही पुत्र हैं वो वहां पर रुके हुए हैं। गांव के लोगों को उन्होंने देखा, हर गांव के आदमी के ऊपर एक चिंता सवार है। बोले क्या चिंता है, क्या हो गया इस गांव का, हर आदमी परेशान क्यों दिखाई दे रहा है? तो जब पूछ बैठे, दो चार लोगों से पूछा, तो उन्होंने बताया कि एक अपने राजा ने, मगध के सम्राट ने अपने गांव के पड़ोसी गांव के लोगों के लिए बड़ा उपद्रव सा खड़ा कर रखा है, और एक ऐसा उन्होंने समाचार भेज रखा है कि उसकी पूर्ति हम अगर नहीं कर पाते हैं तो हमारे लिए ये गांव छोड़ना पड़ जाएगा। अब न जाने वो किस बात का बदला ले रहे हैं, मेरे ऊपर क्यों अप्रसन्न है, इस गांव के लोगों को क्यों वो दुखी बना करके सुखी होना चाहते हैं, लेकिन ये सब बातें होते हुए भी राजा के सामने कोई कुछ बोल नहीं सकता। राजा के सामने कोई यूं नहीं कह सकता, ये हमसे आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, राजा की आज्ञा है। और इसी चिंता के कारण से इस गांव के लोग सब परेशान हैं, और ये परेशानी जब अभय कुमार को पता पड़ी तो अभय कुमार ने गांव के लोगों को एक दिलासा दी। दिलासा जानते हो ना, दिल की छोटी सी आशा, छोटी दिलासा। दिलासा क्या, एक उनके अंदर एक सांत्वना दी, आप चिंता नहीं करो, अगर आप इस कारण से पूरे गांव के लोग घबराए हुए हो तो मैं आपको एक युक्ति बताता हूं। तो गांव के लोग सब उनको बड़े आदर से देखने लग गए कि ये अगर मेरी समस्या को सुलझा दे तो मैं इसको बहुत आदर के साथ में, पूरे गांव के सम्मान के साथ में, यहां पर सारे गांव के लोग इनका पूजा करें, इनकी सम्मान करेंगे, गांव का मुखिया बना देंगे इनको, लेकिन ये हमारी समस्या पहले सुलझ जाए। तो अभय कुमार ने कहा आप परेशान ना हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है,
जो ये सामने बकरा बंधा हुआ है इसको आप खिलाओ पिलाओ, और खिलाने पिलाने के बाद में इसको जितना, जैसे मान लो अगर आपने दिन भर इसको बांध रखा है तो थोड़ी देर के लिए इसको ऐसी जगह पर ले जाना जहां इसके थोड़ी दूर दो व्याघ्र खड़े हों। व्याघ व्याघ बाघ, समझ आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर झपट ना पाए। इसको उन दोनों बाघों के बीच में बांध देना, उनको भी बांध देना और इनको भी, इसको भी बांध देना। तो क्या करेगा, जब उन दो बाघों के बीच में रहेगा तो क्या होगा, समझ गए आप लोग क्या होगा, उसका दिल अगर थोड़ा भी जलेबी खाका करके बड़ा हो गया होगा तो उन बाघों को अपने सामने देख देख करके अपने आप जो है उसका दिल फिर वहीं पे हो जाएगा। दिल छोटा हो जाएगा तो उसका शरीर भी अपने आप, पसीना उसका इतना निकल जाएगा डर के कारण से, वह अपनी सारी एनर्जी ये सोच करके छोड़ बैठेगा कि इनसे कैसे बचा जाए। क्योंकि आदमी जो खाता है उससे उसका शरीर नहीं बनता। अगर आदमी को चिंता खाने लग जाती है तो फिर उसको किसी भी तरह के भोजन से उसका शरीर नहीं बन सकता। आपने इधर अच्छा खा भी लिया और अच्छे उधर चिंता में भी पड़ गए तो आपका खाना पीना सब बराबर है। इधर उसको अच्छा खिलाया पिलाया और खिलाने पिलाने के बाद में उसको ले जा करके बाघ के सामने खड़ा कर दिया, क्या हो गया, जहां जीने मरने की चिंता पड़ जाती है वहां पर सब कुछ पच जाता है, अपने आप खून सूखने लग जाता है। तो बस यही रोज होने लग गया, इधर खिलाए पिलाए और इधर उसको बाघ के सामने खड़ा कर दिए, फिर खिलाए पिलाए, फिर बाघ के सामने खड़ा कर दिए, और ऐसा करते करते उसका वेट बराबर नापते रहे, और वेट ना तो एक किलो तो बहुत बड़ा होता है एक ग्राम भी बड़ा नहीं, उसकी काया का किसी भी तरीके से शेप भी एक इंच भी बड़ा नहीं, और ना कुछ कम हुआ। और ऐसा करते करते एक महीने के उपरांत उस बकरे को श्रेणिक के राजमहल में पहुंचा दिया गया और कहा गया कि तुम्हारा बकरा जैसा था ले लो वैसा ही है। समझ में आ रहा है, वीत बाधम सुखम, सुख कैसा होना चाहिए, बाधाओं से रहित होना चाहिए। अगर खाने पीने के उपरांत या खाते पीते समय भी आपको कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो खाने का सुख नहीं मिलता, कुछ नहीं है। गर्मी लग रही है, पसीना ही आ रहा है, वो भी अगर बाधा है तो खाने का सुख उसमें भी नहीं मिलता। क्या सुन रहे हो, समझ पा रहे हो क्या कह रहे हैं महाराज? गर्मी का समय है, सभी की इच्छा होती है एक साथ आहार देने की, भीड़ मचती है ना, किचन का नाम ही चिक 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 होने का नाम ही किचन कहलाता है, छोटी सी स्थान होता है। अब वहां पर सब घर वाले हैं, क्योंकि घर में जब किसी भी तरह से आप लोग इस तरह का भाव रखते हैं तो जो घर वाले नहीं भी होते हैं, पड़ोसी होते हैं, सब उनको भी बुला लेते हैं, तो सब इकट्ठे हो जाते हैं, फिर कोई भी उस स्थान से बाहर निकलना नहीं चाहता, हवा आने का कोई साधन है नहीं है, सबके पसीने बह रहे हैं। आप समझो ये कैसी व्यवस्था है। ये सबसे ज्यादा अगर मुझसे कोई पर्सनली पूछे कि महाराज आपको 24 घंटे में कब कष्ट होता है, कब आपका दिमाग सही नहीं रहता है, तो मैं अपने लिए इतना ही कहूंगा मेरा एक घंटा सबसे खराब जाता है, सही में। आपको एक घंटा सुख मिलता होगा, आज महाराज हमारे यहां आ गए, आज महाराज हमारे यहां आ गए, आपको दिन भर सुख मिलता होगा, लेकिन हमें वो एक घंटा सबसे ज्यादा कष्ट का दिखाई देता है। लेकिन करें क्या, उसके बिना काम बनता नहीं है। दिन भर खुश रहता हूं लेकिन वहां की सिचुएशन देख करके, मौसम को देख करके प्रसन्नता लाना भी चाहूं तो बड़ी मुश्किल सी दिखती है। कोशिश करता हूं भरपूर लेकिन वो हो नहीं पाता, क्योंकि छोटी जगह पर हवा नहीं होने के कारण से हर किसी को यह ख्याल रखना चाहिए
कम से कम श्रावकों को अपने लिए ये ख्याल रखना चाहिए कि चलो न जाने क्या करते श्रावक, कोई भी घर होगा अंदर होगा ऐसा कर देंगे जैसे मान लो लाइट और मुनि महाराज एक दूसरे के दुश्मन है, बिल्कुल अंधेरा कर देंगे। कई बार तो घर की सीढ़ियों पे कुछ दिखाई नहीं देता, घर में घुस जाओ, एक घर में तो मैं गया तो मैं सीढ़ियों पर अंधेरा, ऊपर पहुंचा तो सब कमरों में अंधेरा, अरे मैंने कहा यहां कहां फंस गया मैं तो निकलने ही वाला था वहां से। फिर जब इधर नजर डाली कि भाई लोगों ने कहा महाराज इधर, तो वो किचन की साइड तो उजेला था, फिर किचन में गया तो वहां उजेला था, अरे मैंने कहा बच गया, नहीं तो तुम आज मैं उतरने ही वाला था, वापस लौटने वाला था, नहीं कहां फंसा दिया ये। तो ये तरीका समझ में नहीं आता भाई, रास्ते में तो कम से कम उजाला रखो, आने जाने का रास्ता उजाले का हो। आपको जहां भोजन बनाना है वो भोजन बनाने का स्थान, महाराज को जहां भोजन कराना है वो भोजन कराने का स्थान, ये ओरिजिनल सनलाइट का होना चाहिए, बाकी हमें क्या मतलब है। इतना गुप्त अंधेरा कर दोगे तो वैसे ही घबराहट होने लग जाएगी घर में घुसने से पहले। एक घर में घुसने के बाद में ऐसा ही हुआ, मैं लौटने ही वाला था, वो तो दिख गया कि हाँ भाई ठीक है आगे कुछ अच्छा उजेला दिख रहा है, चला गया, हो गया। कई बार आप लोगों के लिए ये तो भावना होनी चाहिए कि हम अगर रसोई घर में खड़े हुए हैं, हमारा शरीर गीला हो रहा है, तो हम अपने बगल के कमरे में जाएं। हर किसी के घर में एक से दूसरा कमरा तो होता है ना, नहीं भी होता है तो व्यवस्था बना करके थोड़ी सी रखना चाहिए कि उस दूसरे कमरे में जाएं, जो भी बाहर के लोग आते हैं, एक्स्ट्रा लोग आते हैं, उन्हें उस दूसरे कमरे में थोड़ी देर के लिए शिफ्ट कर दें और उनसे कहें भाई ये आपका एक तरीके से ड्राई क्लीनिंग रूम है, समझ आ रहा, थोड़ी देर सूख जाओ, महाराज के पास जाना उससे पहले थोड़ा सा फ्रेश हो लो, अच्छी ठंडी, तुम तो ठंडी हवा खा सकते हो, हमारी किस्मत में नहीं कोई बात नहीं, तुम्हारी किस्मत में तो है ना, तो सारे नियम हमारे लिए हैं तो तुम अपने लिए क्यों लगाने लग जाते हो उस समय पर, हमारी ये समझ में नहीं आता। हमारा सिरदर्द ये होता है कि आप सामने खड़े हो, पूरे पसीने से भींग रहे हो, किसी किसी की तो नाक से भी टपकता हुआ दिखाई देता है। अब उस समय पर वो जो हाथ में लिए हुए है, समझो कि हम कैसे इच्छा कर पाएंगे कुछ भी लेने की, और आप सब एक से एक पहलवान हो, सब एसी में रहने वाले हो, गर्मा गर्म हो, और आपको वहां का जो टेम्परेचर होता है वो सूट नहीं करता, इसलिए आपको जरूरत से ज्यादा गीलापन होना पड़ता है। तो आप अपनी व्यवस्थाएं खुद समझदारी से बनाना सीखो, समझ आ रहा है, मुझे कहना नहीं चाहिए था लेकिन कहना पड़ता है, क्योंकि जब मैं ज्यादा थोड़ी सी परेशानी या कुछ प्रतिकूलता महसूस करता हूं कि भाई आप अपनी व्यवस्था अपने पास रखो, हमारी व्यवस्था है कि भाई हमें तुम कूलर में खड़ा मत कर देना, हमें एसी में खड़ा मत कर देना, हम अपने लिए संभाल लेंगे, समझ आ रहा है ना। तो जितने भी लोग सामने आए साफ सुथरे दिखें, है ना, सामने आने वाले लोगों के चेहरे साफ सुथरे होंगे, है ना, व्यवस्थित होगा, किसी किसी की बाह से टपक रहा है, कितने अच्छे अच्छे हेल्दी लोग होते हैं, अब हेल्दी होना उनकी भी एक पर्सनैलिटी है, समझ आ रहा है, और वो हेल्दी लोग सबसे ज्यादा गीले गीले दिखाई देंगे, एक पतली सी पतलूम ऊपर से ओढ़े रहते हो, बस वो छोटी सी धोती वो पूरी गीली गीली दिखाई देगी, तो बताओ कैसे उस घिनापन में कुछ भी खाने पीने की इच्छा होगी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सड़ी गर्मी का माहौल चल रहा है, आप लोग स्वच्छता का ध्यान दें, मोदी का भी कहना है स्वच्छता का ध्यान दें, समझ आ रहा है, उस स्वच्छता को चौके में भी बनाए रखें। हमारे किसी भी तरीके के हाथ, सुन लो एक बात फिर से, हमारे हाथ उस समय पर हमारे कंट्रोल में रहने चाहिए। हमारी बहू है, हमारी मम्मी है, हमारा छोटा सा बेटा है, हर किसी से लिपट करके अगर आप अपने हाथों को उसके शरीर से लगाओगे तो आपके हाथ गंदे हो जाएंगे, क्योंकि पसीना गंदा माना जाता है, बार बार धोने की आपको आदत है नहीं है, लेकिन बार बार आपके हाथों में अशुद्धि हो रही है, ये बात आपको समझ में तब आएगी जब यहां आपको बताया जाएगा। हर चौके में रहने वाले व्यक्ति को अपने हाथों पर कंट्रोल रखना चाहिए कि हम हाथ कहां लगा रहे हैं, और तुरंत ईमानदारी से वह हाथ धोने का भी अपने अंदर एक प्रयास करना चाहिए। ये सुरक्षा, ये स्वच्छता, ये सुविधाएं अगर रहेंगी तो मुनि महाराज के लिए दिया गया आहार अगर सुकून से मुनि महाराज लेंगे तो वह उनके लिए संयम की वृद्धि में, आपके पुण्य की वृद्धि में कारण बनेगा, अन्यथा आप भी परेशान होंगे, महाराज भी परेशान होंगे, तो पुण्य किसको मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, समझ पा रहे हो। इसलिए किसी एक से नहीं कहा जा रहा, सबसे कहा जा रहा है,
है ना, एक बार समझाने का कभी ना कभी भाव आता है, तो आज बता दिया, अब यही कैसेट रोजाना सुनते रहना, जिनने नहीं सुना है उनको भी सुनाते रहना, ठीक है ना। क्योंकि सुख कैसा होना चाहिए, वीत बाधम, उस समय कम से कम बाधाएं हो तब तो कुछ सुख मिले, नहीं समझ में आया। मुनि महाराज को सुख नाम की तो चीज है ही नहीं उनकी किस्मत में, लेकिन अगर कभी थोड़ा बहुत कोई सुख मिलता है तो वो भी कैसा मिले, वीत बाधम। क्या मतलब होता है उसका, बाधाएं कम से कम हो, है ना। तो जो भी आप सुख चाहते हो उस सुख की सबसे बड़ी चीज है वीत बाधम। लेकिन सांसारिक सुख की ये परिभाषा ही है कि जब तक वो सुख प्राप्त करता रहेगा तब तक अपनी बाधाओं को मिटाता रहेगा, बाधाओं को मिटाता रहेगा, और बाधाओं को मिटाते मिटाते ही पूरा टाइम निकल जाएगा। क्या होता है, यही तो होता है ना आहारचर्या में, तुम हटो तुम हटो तुम आओ ये आओ ये करो वो करो, और ऐसा करते करते ही वो पूरा आहार हो जाता है। जब तक बाधाएं मिटती है तब तक तो आहार ही पूरा हो जाता है, समझ आ रहा है ना। इसलिए सांसारिक सुख की ये परिभाषा है कि जब तक आप बाधाएं मिटाते रहोगे तब तक ही आपके लिए दुख से दूर होने का काम होगा, और वही आपका सुख है बस। लेकिन उसका नाम सुख नहीं है। सुख किसका नाम है, जहां बाधाएं मिट चुकी हों, जहां बाधाएं सामने हो ही नहीं, बिना बाधा का जो होगा भाव वो आत्मा का आत्मिक सुख कहलाएगा। कुछ समझ पा रहे हो कि नहीं, इतनी देर से सिखा रहा हूं। सिद्धों का सुख कैसा, जहां कोई तरह का बाधा नहीं, डिस्टरबेंस नहीं, कोई ब्लॉकेज नहीं, किसी की किसी भी तरीके का कोई हिंड्रेंस नहीं, इस तरीके की जो सुख की परिणति होती है उसी का नाम कहलाता है वीत बाधम, बाधा से रहित सुख। और हम लोगों का सुख कैसा है, बाधा मिटाते रहो बाधा मिटाते रहो बाधा मिटाते रहो, वो मिटाते मिटाते ही अपन मिट जाते हैं, सुख कभी मिलता नहीं है। ये अपन लोगों की हालत है, समझ पा रहे हो कि नहीं। इसलिए अपने सुख की तुलना जब सिद्धों के सुख से करो तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस जो है दिमाग में, ये रखना, समझ नहीं आता किसी को। इसीलिए लोग कहते रहते भाई उनको क्या सुख, उनको क्या सुख, वहां कुछ खाने को ही नहीं मिलेगा, बच्चों से कहो तो वहां मैगी नहीं मिलेगी, वहां क्या कुरकुरे नहीं मिलेंगे, वहां बिस्कुट नहीं मिलेगा, वहां चाय नहीं मिलेगी, तो काहे का सुख, बच्चों को क्या समझ में आएगा सुख किसे कहते हैं। उनका तो जीवन बस क्या जा रहा है, माता पिता के लाड़ प्यार में जा रहा है, खिलाने पिलाने में, पालन पोषण में जा रहा है इन्हें, इसलिए उन्हें उसी में सुख लगता है। तुम तो बड़े हो गए हो ना, तुम तो समझ सकते हो ना, जिनके बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए, अब तो समझ सकते हो कि सुख किसका नाम है, हम क्या कर रहे हैं, सुख वस्तुतः किसे कहते हैं। ऐसे सुख पर श्रद्धान कर लेना ही मुक्ति का मार्ग है। राजा श्रेणिक जी समझ में आ गया, केवल श्रद्धा कर लो, आस्था बैठा लो। सुख किसे कहते हैं, जिसे हम सुख कहते हैं वो सुख किस चिड़िया का नाम है, तो ऐसे सुख का नाम जहां कोई बाधा हो ही ना, आने की को तो कोई संभावना है ही ना, और प्रतिकार तो वहां पर किसी चीज का है ही नहीं, वहां सिर्फ सुख की अनुभूति है, इसलिए उसको कहा जाता है सुखानुभूति। सिद्धों को जो अनुभूति होती है उसको बोलते हैं सुखानुभूति, वो सुख की अनुभूति है। और हम लोगों की अनुभूति क्या है, दुख प्रतिकार अनुभूति। हम लोगों की अनुभूति क्या होती है, दुख का प्रतिकार करते रहो, प्रतिकार करते रहो, बस ये हटाओ ये हटाओ ये हटाओ, इसमें दुख ना आ जाए, ये बाधा ना आ जाए, तो हम लोग जिंदगी भर यही करते रहते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं। भगवान के सुख को, सिद्ध सुख को अनुभूति में क्या आएगा, वो सुख ही अनुभूति में आएगा। और हम लोगों की अनुभूति में क्या आएगा, दुख का प्रतिकार, दुख से बचना, दुख से बचना, दुख प्रतिकार अनुभूति। ये हमारे लिए सुख नाम पाता है, लेकिन सुख नाम का भी उसमें नहीं होता है, क्योंकि सुख के पॉइंट तक तो हम पहुंच ही नहीं पाते हैं, और हम इसी तरीके के प्रतिकार में जिंदगी निकाल देते हैं। अब आगे समझ में, वीत बाधम, ये भगवान सिद्धों का विशेषण है। इसलिए अगर छोटे बच्चों को ये भगवान सिद्धों की बातें समझ में नहीं आती हैं, तो कम से कम आप बड़े बच्चों को आ जाना चाहिए, और जब बड़े बच्चे कोई इस तरीके से मजाक उड़ाएं सिद्ध भगवान की बातों का,
तो आप उन्हें भले ही ना समझा पाए लेकिन आप उन्हें पुचकार करके कहें, बेटा अभी तुम छोटे हो, तुम्हारी समझ में अभी नहीं आएगा, थोड़े से बड़े हो जाओ तब समझाएंगे तुम्हें कि सुख क्या कहलाता है। अभी तो तुम सुख में पल रहे हो, अभी तुम्हें क्या समझ में आएगा सुख क्या होता है, दुख क्या होता है, अभी तुम्हें पता ही नहीं है। ऐसा जब आप बच्चों के लिए भी कभी ये सुना पाए, ये प्रवचन भी उनके कान में लगा करके उन्हें कभी समझा पाए, तब शायद किसी बड़े बच्चे की समझ में भी आ सकता है कि सुख क्या होता है और हम दुख में क्या कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? आपके बच्चे बहुत अच्छे भी हैं और इसलिए भी अच्छे हैं कि उन्हें भी आपकी तरह लगन लगी रहती है, और जैसे आप लोग प्रतिदिन आकर के यहां पर सुनने की लगन के साथ में सुनते हो, बच्चे आपके रोजाना स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, रोजाना नहीं सुन पाते हैं, लेकिन जब एक बार पिछले संडे जब मैं बच्चों के साथ में बैठा और बच्चे हमारे सामने बैठे, तो उन सब बच्चों के अंदर इतनी खुशी उत्पन्न हुई कि उन सब बच्चों के अंदर ये लगने लगा कि महाराज ये क्लास हमारी और अभी आगे चलना चाहिए। और उन्हीं की इस भावना को देखते हुए अगले संडे भी उनके लिए नियुक्त किया गया है। शायद ये बातें हम अगर उन बड़े बच्चों को भी समझाएंगे तो समझ में आ जाएंगे। ऐसी बात नहीं कि आप ही की समझ में आएंगे, आपकी समझ में भले ही कम आए लेकिन उनकी समझ में बहुत अच्छे से आ जाएंगे, क्योंकि लॉजिक जितना अच्छे से वो समझते हैं उतना आप नहीं समझते। इसलिए उनके लिए भी क्लास की जरूरत है, और अगर आप उन्हीं बच्चों के और अच्छे ढंग से उनके भीतर उनकी केमिस्ट्री को बदलने के लिए, उनके भीतर एक अच्छी शांति और समझ का भाव लाने के लिए अगर आप एक और प्रोग्रामिंग अपने सामने देखना चाहते हो, तो वह भी एक 17 अगस्त से होने वाली प्रोग्रामिंग है। उसमें भी आप लाख कहते रहो बच्चा हमारा बहुत शैतान है, बहुत नटखट है, अगर वो 5 दिन शांति से रह गया तो आने वाले 50 दिनों में वो कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा, और आगे 5 साल तक भी उसकी अगर चार्जिंग हो गई तो कोई बड़ी बात मत समझना। अगर 5 साल के लिए चार्जिंग ना हो पाए तो हर साल में ऐसा कार्यक्रम होता रहेगा, फिर चार्ज करा लेना। अगर दवाई लग रही है तो हम बार बार भी तो डॉक्टर के पास जा सकते हैं ना। हमारे लिए तो यही खुशी की बात हो जानी चाहिए कि हाँ दवाई लग रही है, लग रही है, चलो एक बार लग गई महाराज, दोबारा कब फिर इस तरीके का शिविर लगेगा, दोबारा फिर दवाई दिलवा देंगे। ये दवाई दिलाते रहो ताकि उन डॉक्टरों की कीमती दवाइयां ना देना पड़े, यहां सब दवाइयां फ्री में मिल रही हैं। समझ आ रहा है? सब फ्री में है, लेकिन इन दवाइयों की आप कीमत समझो, और इसी से आपका ज्वर उतरेगा, इसी से आपको स्वस्थता मिलेगी, तभी आपको सुख की भी कुछ थोड़ी बहुत परिभाषा समझ में आएगी। इन्हीं भावनाओं के साथ कि अब राजा श्रेणिक भी उस बकरे को देख करके ये समझने लग गया कि वहां पर भी रहने वाले गांव के लोग चतुर हैं, तो उसकी चिंता फिर और बढ़ गई, कम नहीं हुई। अब जब चिंता बढ़ गई तो फिर वह एक दूसरा पासा और फेंकता है, वो क्या फेंकेगा वो कल बताया जाएगा। आज तो बोलो ओम अरहम, ओम अरहम, सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले सुखो। हाँ, आज से एक नया कार्यक्रम और शुरू हो रहा है, जो भी राजा श्रेणिक बनेंगे उनके सामने अंत में अपने आप ऑनलाइन 2 क्वेश्चन आएंगे, और उन्हें वो 2 क्वेश्चन यहाँ पूछना है, और उस क्वेश्चन को करने वाले लोग कहीं के भी हो सकते हैं, लेकिन वो राजा श्रेणी के थ्रू ही यहाँ पर पहुंचा करके प्रश्न पूछेंगे, और उन प्रश्नों का उत्तर भी आज आपके लिए 5 मिनट में दे दिया जाएगा। नमोस्तु भगवान। महाराज जी, अगर संसार में सुख नहीं है तो हम किसके लिए जिए? बहुत बढ़िया। हमारा प्रयास किसके लिए हो? हाँ, संसार में सुख है तो हम किसके लिए जिए, क्या करें, प्रयत्न क्या करें? 2 प्रश्न हो गए, एक ही प्रश्न है? एक ही प्रश्न है ये, आज एक ही प्रश्न है क्या? चलिए, क्या पूछा गया? अगर संसार में सुख नहीं है तो हम किसके लिए जिए? देखो ऐसा है, अब जहां तक जीने की बात है तो आप जिसके लिए जी रहे हैं उसके लिए तो आपको जीना पड़ेगा ही, क्योंकि जिससे आपने संबंध बना लिए हैं उनके साथ आपको जीना पड़ेगा। लेकिन अगर उसी बीच में यह भी समझ में आ रहा हो
कि संसार में सुख नहीं है। जिस तरह से हमें सुख की परिभाषा बताई जा रही है, उस परिभाषा में जब हम पूरा अपने आप को देखते हैं तो हमें कहीं से कहीं तक कोई सुख समझ में नहीं आता। तो हम भीतर ही भीतर ये श्रद्धान करने लग जाएं, एकदम से हम उस सुख को छोड़ भी नहीं सकते, संसार की बातों को या संसार के सुखों से हम एकदम से मुक्ति भी नहीं पा सकते जो हमें मिल रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम भीतर ही भीतर अपना एक श्रद्धान बनाएं। क्या श्रद्धान बनाएं? संसार में हम किसके लिए जी रहे हैं? जिनके लिए जी रहे हैं वो तो हमारा एक मनुष्य होने के नाते कर्तव्य है, जो हम कर्तव्य की पूर्ति कर रहे हैं। अगर हम किसी के पति हैं, किसी के पिता हैं, तो हमें अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का पालन करना हमारा कर्तव्य है। तो हम जी रहे हैं, जीते हुए उनका भी काम करेंगे, लेकिन हमारा पूरा जीवन ऐसा नहीं है कि जीने का उद्देश्य ही हमारा यही है कि केवल हम अपने घर परिवार का पालन करें। उद्देश्य हम अपने भीतर रख सकते हैं और वो उद्देश्य बनाया जा सकता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य अपनी आत्मा को मोक्ष मार्ग पर ले जाने का है, क्योंकि सुख वास्तव में मोक्ष में ही है। ये भीतर से श्रद्धान अगर आप बना लोगे तो भी आपका जीना भी चलता रहेगा और भीतर की इस श्रद्धा की परिणति से आपका भीतर भीतर अध्यात्म के माध्यम से आपका काम भी बनना शुरू हो जाएगा। पहले विश्वास तो कर लो, सुख कहां है? सुख संसार में नहीं है। वास्तविक सुख कहां है? मोक्ष का है, सिद्धों का सुख है, मोक्ष में सुख है। और उस सिद्धों के सुख की आस्था अपने अंदर बना करके फिर आप जीना शुरू कर दो। जिनके साथ जी रहे हो, जिनके लिए जी रहे हो, आप जीते रहो, लेकिन मन में विचार रखो कि मुझे अपने लिए भी जीना है। टोटल टाइम, टोटल लाइफ, होल लाइफ दूसरों के जीने के लिए नहीं है। कुछ समय मैं अपनी लाइफ में अपने लिए निकालूंगा, मैं स्वयं भी अपने जीने के लिए समय निकालूंगा। इतना बस आप अपने मन में विचार कर लो, कब होगा, क्या होगा, उसकी चिंता मत करो, वो सर्वज्ञ भगवान जानते, अपने आप हो जाएगा। बस आप क्या करना, श्रद्धान कर लो कि हमें सिद्धों में सुख मानना है और इन सबके बीच में रहते हुए भी अपने जीने के लिए भी समय निकालना है। हम अभी भले ही किसी दूसरे के लिए जी रहे हों, लेकिन हम अपने लिए भी जिएंगे, इसी बीच में हम समय निकालेंगे। बस आप अपने मन में एक विचार लाओ पहले, और उस विचार से ही सारा काम, सारे रास्ते अपने आप खुलने लग जाएंगे। सिद्ध भक्ति के माध्यम से सिद्धों के गुणों का वर्णन निरंतर करते हुए आप लोगों को प्रसन्नता हो रही है या ना हो रही है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हम सिद्ध भगवान के गुणों का भी कुछ समय तक वर्णन कर सकते हैं। जो चीज वचनों के अगोचर है, चिंतन के अगोचर है, उसे भी कह पाना बहुत कठिन होता है, समझा पाना और कठिन होता है, समझ पाना फिर भी सरल होता है, लेकिन समझा पाना कठिन होता है। कोशिश की जाती है आचार्यों के अभिप्राय के अनुसार उन्हीं बातों को, उन्हीं सूत्रों को, उन्हीं बीज मंत्रों को थोड़ा सा हम अपनी शक्ति से उद्घाटित करें। भगवान के सुखों का कोई भी ज्ञाता नहीं, प्रमाता नहीं, वो स्वयं अपने ही सुख का स्वयं में अनुभव करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए यह प्रश्न तो पहले ही खड़ा कर दिया था, को अस्य सौख्यस्य प्रमाता, इन भगवान के सुख को जानने वाला कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। यह आचार्य पूज्यपाद महाराज ने पहले ही अपने श्लोक में यह कह दिया, 6 नंबर के उस काव्य में, कि भगवान के सुख का कोई भी प्रमाता नहीं है, उनके सुख को कोई भी जानने वाला नहीं है। लेकिन ऐसा कहने के बाद भी उनके मन में आया कि हम भले ही भगवान के सुख को नहीं जान सकते, लेकिन जो कुछ भी मोटा मोटा कुछ विशेषणों के साथ में कहा जा सकता है उसे जरूर कहना चाहिए। क्योंकि कोई भी कार्य अगर हम कटिबद्ध होकर के करते हैं
और भले ही उस कार्य को करने में हमें दिखाई दे रहा हो कि यह कार्य हमसे नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी शक्ति अनुसार तो वह कार्य करना ही चाहिए, ऐसा हमेशा आचार्यों का कहना रहा है। अगर ये नहीं होता तो फिर कभी भी हम भगवान की स्तुति कर ही नहीं सकते, हम भगवान के गुणों का वर्णन कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हम यही सोच लें कि भगवान के गुणों का कभी वर्णन हो ही नहीं सकता तो फिर हम कभी स्तुति कर ही नहीं सकते। इसलिए ऐसा सोच करके भी हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जैसे आप लोग कभी कभी कहते हैं महाराज ये काम हमसे नहीं हो सकता, बहुत बड़ा काम है, हमारे बस का नहीं है, फिर भी आपका मन कहता नहीं करते हैं, आप आशीर्वाद दीजिए हो जाएगा। इसी तरीके से भगवान के सुख का वर्णन करने वाला कौन हो सकता है, ये आचार्य कहने के बावजूद भी उन्होंने आगे सुख का ही वर्णन किया। पहली लाइन में वह आत्मोपादान सिद्धम स्वयं अतिशय वत, ये दूसरा विशेषण, वीत बाधम ये तीसरा विशेषण, और चौथा विशेषण था विशालम, कौन सा विशालम। फिर दूसरी लाइन में आता है वृद्धि रासव व्यपेतम, वह भगवान का सुख इस पांचवें विशेषण के साथ जब आता है तो उसमें कहा जाता है वह वृद्धि और ह्रास से रहित होता है, और चौथे विशेषण में वो कहते हैं यह सुख कैसा होता है, विशाल होता है। विशाल का मतलब क्या बोला जाए, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, कितना बड़ा, तो आप अपने हाथ उठा करके बता दें उतना बड़ा है ना, कितना बड़ा, तो जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा। भगवान का सुख कितना है, तो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। और विशाल का मतलब क्या हो जाता है, अगर हम विशाल को जानना चाहते हैं तो फिर हम आकाश को देखना शुरू करें। जैसे आकाश का कोई भी अता पता नहीं होता, अनंत होता है, ऐसे ही भगवान का सुख भी मापने योग्य नहीं होता है, विशाल होता है। और विशाल होने का यह भाव यह बताता है कि भगवान के सुख की कोई सीमा नहीं है। अगर हम यूं भी कह दें कि हमने ये सुख अनुभव कर लिया तो ये कहना भी गलत हो जाएगा। अगर भगवान ने यह भी कह दिया कि इस सुख का अंत तक हमने अनुभव कर लिया है तो यह कहना भी गलत हो जाएगा। भगवान ने सुख का अनुभव किया, लेकिन वह सुख का अनुभव उसी रूप में किया, किस रूप में, जिस रूप में वो है, वो विशाल रूप में है तो विशाल रूप में किया, वो अनंत रूप में है तो अनंत रूप में किया। अगर यूं कह दिया जाएगा कि भगवान ने अपने सुख का अनुभव लास्ट तक, अंतिम छोर तक कर लिया, तो फिर वो अंत हो जाएगा, फिर वो अनंत नहीं रह जाएगा। समझ पा रहे हो, दिमाग चलता नहीं है अनंत की ओर, दिमाग उड़ता नहीं है आकाश में, वो तो उड़ाना पड़ता है। गर्मी का समय होते हुए भी भले ही ठंडाई पी के नहीं आए हो तो भी दिमाग अगर चलेगा तो चल सकता है। वैसे लगता है थोड़ा थोड़ा तो सब खा पी के आते होंगे, है सीधा पूजा करने के बाद ही बैठ जाते हो कि पहले घर पे हो आते हो फिर यहां पे आते हो। थोड़ा सा जब तक शरीर में कुछ ठंडापन ना पहुंचे तब तक भी दिमाग में कुछ ठंडापन आता नहीं है, ऐसी कुछ लोगों की धारणा है। दस तो महाराज बहुत देर से बसते हैं, 10 बजे तक तो जो है क्या है दिमाग में चक्कर आने की भी संभावना बढ़ जाती है, इसलिए बहुत से लोग तो थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट, कुछ थोड़ा दूध पानी, कुछ ना कुछ लेकर के अब इत्मीनान से सुनेंगे। सही बात है, सही है ना, बोलो तो, जिनके लिए सही है उनके लिए बोलो। कोई बात नहीं, अभी भोजन नहीं किया है, थोड़ा सा जल पानी किया, कुछ खास नहीं किया महाराज, थोड़ा सा जिसको चाय पानी कहते हैं, हल्का सा। यह अगर होने के बावजूद भी आपकी बुद्धि में कोई बात घुस रही है, घुस जाए तो भी हम समझते हैं कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन बात बुद्धि में प्रविष्ट होनी चाहिए। भगवान का सुख कैसा है, विशाल है। और जब हम विशाल की कल्पना करते हैं तो फिर हमारे सामने कोई बीच में साला नहीं आती है। विशाल का मतलब
शाला साल से रहित। शाला क्या होती जानते हो? बीच में जब हम कहीं पर प्रवेश कर रहे हो, जैसे हम भगवान के समोसरण में प्रवेश करते हैं, तो समोसरण में प्रवेश करते हुए हमारे सामने बहुत सारे गोल गोल दो तीन बार परकोटे आते हैं, उन्हें साल कहा जाता है। समझ आ रहा है? वह कुछ भी किसी भी तरह की बीच में बाधाएं ना हो, बाउंड्री ना हो, किसी भी तरीके के उसमें कोई गेट ना हो, उसका नाम है विशाल। आकाश में कभी कोई बाउंड्री होती है? जमीन की बाउंड्री हो सकती है, लेकिन आकाश की कोई बाउंड्री बना सकते हो? बना तो लेते हैं महाराज। श्री जिन वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जन मन हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मैये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोख पदम पावई सासद मोख पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज सतना मध्य प्रदेश।